दोस्तों आप अपने बचपन में कॉक से तो खेले ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉक फैक्ट्रियों में कैसे बनाई जाती है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मुर्गियों के लाए गए ढेर सारे पंखों को पानी में भिगोकर रात भर फूलने के लिए रखा जाता है, और उसके बाद इसे बड़े से बर्तन में भरे पानी में इन पंखों को अच्छे से साफ करते हैं, और फिर इन्हें एक खास तरह के केमिकल से गुजारा जाता है, और अगली सुबह इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है, और फिर इसके बाद इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीन इन पंखों को अच्छे से खोल देती है, और उसके बाद इन पंखों को वर्कर्स के पास कॉक तैयार करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पहले इन्हें दो भागों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन्हें अच्छे से कटिंग करके इन पंखों को फेविकॉल लगाकर अच्छे से कॉक में सेट कर देते हैं, और सिलाई करके इस तरीके से पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप अपने बचपन में पंखों वाली कॉक से खेले हैं या प्लास्टिक वाली कॉक से, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।